हाय फ्रेंड्स, आप सभी का लाइफ चेंजिंग फिटनेस मंत्रा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हर्बलाइफ कंपनी में होलसेल इनकम क्या होती है, यह कैसे मिलती है और कितनी मिलती है, और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। आज इस वीडियो में इन सब पॉइंट को विस्तार से बताया जाएगा और इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर्बलाइफ कंपनी में होलसेल इनकम उस इनकम को कहते हैं जो हमारी डाउनलाइन टीम का वर्क होता है या डाउनलाइन टीम जो काम करती है उसका 7 से 25% कमीशन कंपनी हमें देती है। इसका मतलब यह है कि डाउनलाइन टीम जितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदती है उसका 7 से 25% इनकम कंपनी हमें कमीशन के रूप में देती है, उसको हम होलसेल इनकम बोलते हैं। दोस्तों, कंपनी यह है इनकम किस प्रकार देती है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हर्बलाइफ कंपनी में कितने डिस्काउंट लेवल हैं। दोस्तों, हर्बलाइफ कंपनी में 4 डिस्काउंट लेवल हैं, वह है 25%, 35%, 42% और 50%। इन डिस्काउंट लेवल में जो डिफरेंस होता है उसको कंपनी हमें कमीशन के रूप में देती है, उसे हम होलसेल इनकम कहते हैं। जैसे ये हो, आप 50% डिस्काउंट लेवल पर हो और आपने ए बी सी व डी को ज्वाइन करवाया, जिसमें ए 25% डिस्काउंट लेवल पर है, बी 35% डिस्काउंट लेवल पर है, सी 42% डिस्काउंट लेवल पर है और डी 50% डिस्काउंट लेवल पर है, तो इनसे आपको कितने कितने परसेंट होलसेल इनकम प्राप्त होगी। अब यदि ए 25% डिस्काउंट लेवल पर है तो आपको ए से कितना होलसेल इनकम प्राप्त होगा? अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि ए से कितना होलसेल इनकम प्राप्त होगा? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप और आपके डाउनलाइन टीम में जो डिस्काउंट लेवल का अंतर होगा वह आपका होलसेल इनकम होगा, अर्थात आप 50% डिस्काउंट लेवल पर है और ए 25% डिस्काउंट लेवल पर है, तो आपको 50 - 25 = 25% होलसेल इनकम मिलेगा। इसी प्रकार यदि ए ने ई को ज्वाइन करवाया और ई भी 25% डिस्काउंट लेवल पर है तो ई से ए को कोई इनकम प्राप्त नहीं होगी क्योंकि इनका डिस्काउंट लेवल सेम है, परंतु ई से आपको 25% इनकम प्राप्त होगी। लेकिन ई के द्वारा जितने वॉल्यूम पॉइंट का प्रोडक्ट खरीदा जाएगा उतने ही वॉल्यूम पॉइंट ए के अकाउंट में भी जुड़ेंगे और उतने ही वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में भी जुड़ेंगे। इसी प्रकार यदि बी 35% डिस्काउंट लेवल पर है तो बी से 50 - 35 = 15% होलसेल इनकम प्राप्त होगी। अब यदि बी ने भी एफ को ज्वाइन करवाया जो 25% डिस्काउंट लेवल पर है तो एफ से बी को 35 - 25 = 10% होलसेल इनकम प्राप्त होगी और ऐप से आपको 50 - 35 = 15% होलसेल इनकम प्राप्त होगी। इस प्रकार ऐप से आपको और बी को 10 + 15 = 25% होलसेल इनकम प्राप्त हुई। अब बात रही वॉल्यूम पॉइंट की, तो ऐप जितने वॉल्यूम पॉइंट का प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा उतने ही वॉल्यूम पॉइंट बी के अकाउंट में भी जुड़ेंगे और उतने ही वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में भी जुड़ेंगे। इसी प्रकार यदि सी 42% डिस्काउंट लेवल पर है तो सी से आपको 50 - 42 = 8% होलसेल इनकम प्राप्त होगी। अब यदि सी ने भी जी को ज्वाइन करवाया जो 35% डिस्काउंट लेवल पर है तो जी से सी को 42 - 35 = 7% होलसेल इनकम प्राप्त होगी और जी से आपको 50 - 42 = 8% होलसेल इनकम प्राप्त होगी। इसी तरह जी से आपको व सी को टोटल 8 + 7 = 15% होलसेल इनकम प्राप्त हुई। अब यदि जी ने भी एच को ज्वाइन करवाया जो 25% डिस्काउंट लेवल पर है तो एच से जी को 35 - 25 = 10% होलसेल इनकम प्राप्त होगी और एच से सी को 42 - 35 = 7% होलसेल इनकम प्राप्त होगी और एच से आपको 50 - 42 = 8% होलसेल इनकम प्राप्त होगी। इस तरह एच से आपको व सी को व एच को टोटल इनकम प्राप्त होगी 8 + 7 + 10 = 25%। अब बात करते हैं इनके वॉल्यूम पॉइंट की, तो एच जितने वॉल्यूम पॉइंट का प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा
उतने ही वॉल्यूम पॉइंट जी के अकाउंट में भी जुड़ेंगे और उतने ही वॉल्यूम पॉइंट सी के अकाउंट में जुड़ेंगे और उतने ही वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में जुड़ेंगे। इसी प्रकार डी 50% डिस्काउंट लेवल पर है तो डी से आपको होलसेल इनकम प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि डी का डिस्काउंट लेवल और आपका डिस्काउंट लेवल सेम है और यह कंपनी का हाईएस्ट डिस्काउंट लेवल है, इसलिए आपको डी से रॉयल्टी इनकम प्राप्त होगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यह आपकी डाउनलाइन टीम है और आपकी टीम के प्रत्येक सदस्य ने 10 10 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट खरीदे, तो आपकी व ए बी सी की होलसेल इनकम कितनी होगी? तो आपको ए से 25% होलसेल इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 25% हुए 2,500 रुपये। अब ई से ए को कोई इनकम प्राप्त नहीं होगी क्योंकि इनका डिस्काउंट लेवल सेम है, और ई से आपको 25% होलसेल इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 25% हुए 2,500 रुपये। इसी प्रकार बी से आपको 15% होलसेल इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 15% हुए 1,500 रुपये। अब एफ से बी को 10% होलसेल इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 10% हुए 1,000 रुपये, और एफ से आपको 15% होलसेल इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 15% हुए 1,500 रुपये। इसी प्रकार सी से आपको 8% होलसेल इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 8% हुए 800 रुपये। अब जी से सी को 7% इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 7% हुए 700 रुपये, और जी से आपको 8% इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 का 8% हुए 800 रुपये। अब एच से जी को 10% इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 के 1,000 रुपये, और एच से सी को 7% इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 के 7% हुए 700 रुपये, और एच से आप 8% इनकम प्राप्त होगी, अर्थात 10,000 के 8% हुए 800 रुपये। इस प्रकार आपकी टोटल होलसेल इनकम हुई 2,500 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800 बराबर 10,400 रुपये, और ए की होलसेल इनकम हुई 0 रुपये, बी की होलसेल इनकम हुई 1,000 रुपये, सी की होलसेल इनकम हुई 700 प्लस 700 बराबर 1,400 रुपये, जी की होलसेल इनकम हुई 1,000 रुपये। इस प्रकार से आपको होलसेल इनकम प्राप्त होती है। यह एक छोटा सा उदाहरण था। आपकी टीम में 1,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदने वाले भी हो सकते हैं और 1,00,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदने वाले भी हो सकते हैं, तो आपकी इनकम उसी हिसाब से होगी। अब बात करते हैं वॉल्यूम पॉइंट की, डाउनलाइन से आपको कितने वॉल्यूम पॉइंट मिलते हैं और वो कैसे मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे ये हो आप और ये आपके डाउनलाइन टीम है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इन्होंने प्रत्येक ने 100 100 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट ऑर्डर किए, तो आपके और ए बी सी के कितने वॉल्यूम पॉइंट हुए? तो मैं आपको बता देता हूं कि डी 50% लेवल पर है तो उसके वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड नहीं होंगे। यहाँ वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में कैसे ऐड होंगे वह आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं आपके वॉल्यूम पॉइंट की, तो आपको सभी से 100 100 वॉल्यूम पॉइंट मिलेंगे, अर्थात डी को छोड़कर सभी के वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड होंगे। इस प्रकार आपके टोटल वॉल्यूम पॉइंट होंगे 700 वॉल्यूम पॉइंट। अब बात करते हैं ए के वॉल्यूम पॉइंट की, तो ए के स्वयं के 100 वॉल्यूम पॉइंट हैं और 100 वॉल्यूम पॉइंट ई के हैं। इस प्रकार से ए के टोटल वॉल्यूम पॉइंट हुए 200 वॉल्यूम पॉइंट। अब बात करते हैं बी के वॉल्यूम पॉइंट की, तो 100 वॉल्यूम पॉइंट बी के स्वयं के हैं और 100 वॉल्यूम पॉइंट एफ के हैं। इस प्रकार बी के टोटल वॉल्यूम पॉइंट हुए 200 वॉल्यूम पॉइंट। अब बात करते हैं सी के वॉल्यूम पॉइंट की, तो सी के स्वयं के 100 वॉल्यूम पॉइंट हैं और 100 वॉल्यूम पॉइंट जी के हैं और 100 वॉल्यूम पॉइंट एच के हैं। इस प्रकार सी के टोटल वॉल्यूम पॉइंट हुए 300 वॉल्यूम पॉइंट। इस प्रकार आपकी जितनी भी डाउनलाइन होगी उसके वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड होते रहेंगे।
और इसी प्रकार सभी डाउनलाइन से आपको होलसेल इनकम प्राप्त होती रहेगी। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपको हर्बलाइफ में कैसे होलसेल इनकम प्राप्त होती है और कैसे वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड होते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।